एवरीवन, टुडेज वीडियो इज अबाउट आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम पेपर वन एंड इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज. वी हैव डिस्कस्ड 50 क्वेश्चंस इन प्रीवियस टू वीडियोस. लेट्स स्टार्ट विद 51 क्वेश्चन. नॉन कोल्युमिलेट स्पीसीज ऑफ नोटोथाइलस इज Notothylus indica, Notothylus orbicularis, Notothylus liveri, all species of Notothylus. तो जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट आंसर है Notothylus liveri. नेक्स्ट क्वेश्चन. एयर गन मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल इज प्रेजेंट इन स्फेग्नम, फिनेरिया, फ्रुलेनिया, पोगोनेटम एंड राइट आंसर इज फर्स्ट दैट इज स्फेग्नम. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज जीरोफिटिक? अजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, इक्विसिटम, एरवेंस. तो राइट आंसर है हमारा फोर्थ इक्विसिटम एरवेंस. बाकी सब तीनों हाइड्रोफिटिक हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्थर जे एम्स क्लासिफाइड ट्रैकियोफाइटा इंटू फोर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ वस्कुलर एनाटॉमी, पोजिशन ऑफ स्पोरेंजिया, नेचर एंड रिलेशन ऑफ लीफ एंड स्टेम, ऑल ऑफ दीज. तो इन तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए उन्होंने ट्रैकियोफाइटा को क्लासीफाई किया था. सो राइट आंसर इज फोर्थ वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ स्फिनोफ्सिडा? कैलामाइट्स, एनुलेरिया, इक्विसिटम, कैलामाइट्स एंड एनुलेरिया. तो जो कैलामाइट्स एंड एनुलेरिया हैं, ये दोनों ही एक्सटिंक्ट जीनस हैं. सो राइट आंसर इज फोर्थ वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें करेक्ट पेयर को सेलेक्ट करना है. ऑप्शंस हैं प्लेक्टोस्टील लाइकोपोडियम सीरेटम, एक्टिनोस्टील लाइकोपोडियम क्लावेटम, मिक्स्ड प्रोटोस्टील लाइकोपोडियम सिरनम, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील स्लेजिनेला. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है. जो मिक्स्ड प्रोटोस्टील है वो लाइकोपोडियम सिरनम में देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिज्मेटिक टिश्यू इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा ऑफ टेरिडोफाइटा? तो जो ये प्रिज्मेटिक टिश्यू है, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इन चारों में जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो आइसोइट शो करता है. सो राइट आंसर इज सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ स्टील दिया हुआ है एक कॉलम में और नेम ऑफ जेनरा. जिस भी जेनरा में ये टाइप ऑफ स्टील प्रेजेंट है हमें उसको मैच करना है. सो राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट वन. जो प्रोटोस्टील है वो स्लेजिनेला में प्रेजेंट होता है, साइफोनोस्टील इक्विसिटम में प्रेजेंट होता है, डिक्टियोस्टील जो है वो टेरिस में प्रेजेंट होता है और जो पॉलीसाइक्लिक स्टील है वो मेरेसिया में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लिविंग मेंबर्स ऑफ विच फैमिली आर ऑफन कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स? तो ओस्बोर्नेसी फैमिली के जो मेंबर हैं वही लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाने जाते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेमिनार हाइपोथेसिस फॉर द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ मार्सिलिया स्पोनोकार्प वाज सपोर्टेड बाय कैंपबेल, बोवर, एम्स, ऑल ऑफ दीज. तो इन तीनों ने इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया था. तो राइट आंसर इज फोर्थ वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टीलर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय? तो स्टीलर थ्योरी जो है वो वॉन टिएगम एंड डोलोइट ने दी थी. राइट आंसर इज सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री प्रोसेसेस ऑफ टिलोम थ्योरी इज? इसमें हमें कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं जो टिलोम थ्योरी के अंदर प्रोसेस होते हैं उनके, तो हमें सही सीक्वेंस को सेलेक्ट करना है. राइट आंसर इज सेकंड. ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन, सिंजेनेसिस, रिडक्शन एंड कर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइक्रोस्पोर इन साइकस, स्पाइनस एंड एफिड्रा आर रिलीज्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एट? तो साइकस में जो माइक्रोस्पोर हैं वो 3 सेल स्टेज पे रिलीज होते हैं, स्पाइनस में वो 4 सेल स्टेज पे रिलीज होते हैं और एफिड्रा में 5 सेल स्टेज पे. सो राइट आंसर इज सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स 29 to 31 ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमनक्लेचर,
इफेक्टिव पब्लिकेशन ऑफ न्यू नेम रिक्वायर्स. सो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट, द प्रिंटिंग मटेरियल इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू इट्स पब्लिकेशन इन ए जनरल. जो भी आप मटेरियल पब्लिश कर रहे हो वो आपको जनरल के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन साउथ ईस्ट एशिया. तो जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा कोलकाता में, वो सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है. सो राइट आंसर इज सेकंड. इन द फ्लोरा ऑफ राजस्थान द फैमिली हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जेनरा एंड स्पीसीज इज एस्ट्रेसी फैमिली, साइप्रेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली एंड पोएसी फैमिली. तो जो पोएसी फैमिली है उसके जेनरा सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं. सो राइट आंसर इज फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नो ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज अवेलेबल एंड स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम टाइप लोकेलिटी चोजन टू सर्व एज ए टाइप इट इज कॉल्ड एज आइसोटाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप और टोपोटाइप. राइट आंसर इज फोर्थ, टोपोटाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेट इज टेकन फॉर पर्पज ऑफ रूल ऑफ प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्पर्मेटोफाइट. सो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, 1/5/1753. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 and 2. एक साइड पे हमें कुछ थ्योरीज दी हुई हैं जो एंजियोस्पर्म के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती हैं और दूसरी साइड पे उस साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने उन थ्योरीज को प्रपोज किया था. तो जो बेनेटिनियन एंसेस्ट्री है वो सपोर्टा और मैरियन ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था. सो ए जो है वो थर्ड से यहां पे मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है. जो निटेलियन थ्योरी है वो वेस्टिन कोर्ट्स ने दी थी और जो कॉनिफेरियल एंसेस्ट्री है वो एंग्लर एंड प्रेंट ने दी थी और जो टेरिडोस्पर्मियन एंसेस्ट्री है वो लोंग ने दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जेनरा हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर. इसका राइट आंसर है लेजिनेरिया, बेनिस्कासा एंड मेलोटस. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following families is characterized by its leaves distinguishable into a sheath and a blade? तो जो sheath and blade हैं ये हमें Poaceae family में देखने को मिलते हैं. So right answer is fourth one. Next question, दो list हैं हमारे पास. Again हमें जो family है और उसका जो order है उसको match करना है. So इसका right answer है first one. जो एस्कलिपकेडियसी फैमिली है जिनिन टेल्स ऑर्डर है, कुकरवेटिसी फैमिली में पैसिफ्लोरेल्स है, यूफोरबियसी फैमिली के अंदर यूनिसेक्सुएल्स है एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर रोजेल्स ऑर्डर है. यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को यहां पे आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो, ड्रॉबैक ऑफ हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज दैट इट इज बेस्ड ऑन हैबिट ऑफ प्लांट. सेकेंड, तख्ताजान सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद रूल एंड रेगुलेशन ऑफ आईसीबीएन. एंगलर एंड प्रेंट हैव रिगार्डेड एमेंटीफेरी एज एन एडवांस ग्रुप. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो करेक्ट है और जो नीचे की दोनों स्टेटमेंट हैं वो रोंग है. तख्ताजान की जो क्लासिफिकेशन है वो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग है और जो एंगलर और प्रांट ने एमेंटीफेरी फैमिली है उसको प्रीमिटिव ग्रुप माना था. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नंबर ऑफ फर्टाइल स्टेमन एंड स्टेमिनोड्स इन टैमरिंडस इंडिकस इज. स्टेमिनोड्स क्या होते हैं? जो स्टेराइल स्टेमन्स होते हैं. सो राइट आंसर इज फर्स्ट वन, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस मोनोडेल्फस स्टेमन
एंड एपोकार्पस गाइनोसियम, कैलेंडुला, कैलोट्रोपिस, क्रोटोन एंड क्यूक्यूमिस. राइट आंसर इज कैलोट्रोपिस. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.